अध्यक्ष डब्लू बाउरी ने चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के नेहरू रोड स्थित रॉयल हार्ट कोक के समीप बड़ा सा टेंट बनाकर उसके अंदर सरकारी जमीन को कब्जा कर अवैध निर्माण का काम करने का मामला सामने आया, जो बाद क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि दूसरे लोग सरकारी जमीन पर निर्माण करें तो वह गैर कानूनी है और अध्यक्ष आप करें तो वह ठीक है। वहीं जब नगर परिषद के अध्यक्ष डब्लू बाउरी से बात की गई तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जमीन जो है इसका NOC प्राप्त हम लोग को है और मेरा जो जमीन है, मेरा रसीद कटा हुआ जमीन है, बाउरी का जमीन है। हम चाहते हैं सरकार से कि आप CEO से भी यही चाहते हैं कि इस जमीन का नापी करवा ले, जो जो अतिक्रमण किया वो सब के दूर। हम तो जो ये कर रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं वो भी बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पहले नापी करवा लीजिए। आज से काम जो काम कर रहे थे, एक ऑफिस बन रही थी हमारी, शौचालय बन रही थी, वो हम काम बंद करवा दे रहे हैं, लेकिन ये जमीन का पेपर हम दे देते हैं। अभी कर्मचारी मेरे पास आया और कर्मचारी को पेपर दे देते हैं, पेपर वेरिफिकेशन कर लीजिए और नापी करवा लीजिए। नापी करा के जो जो अतिक्रमण किया सबको तोड़िए। अध्यक्ष महोदय, आप सर ये है कि ठीक है आपकी जमीन है, आप कह रहे हैं पेपर सब कुछ है, संदेह के घेरे में तो आप खुद डाल रहे हैं कि बंद कमरे में उसको घेर कर काम निर्माण किया जा रहा है, ऐसा कहाँ तक सही उचित है? देखिए, बंद कमरे का जहाँ तक बात है, बंद कमरे में आप जो रोड पर काम हो रही है, चूँकि मेरा आवास पुराना बना, अभी जो नया आवास मेरा घर में बना उसमें 50 बांस रखा हुआ था, वहाँ आए दिन चोरी हो रहा था, हमने तिरपाल ढक के काम करा। आप कोई मान के चलिए कोई शादी कर रहा है तो कोई खुला में भी कर सकता है, कोई बंद कमरा में कर सकता है, तो हमने तिरपाल ढक के किया तो कौन सा बुरा किया? अब पेपर बताएगा और जमीन का स्थिति बताएगा क्या स्थिति है, शादी समारोह। वहीं इस संबंध में चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष संतु चटर्जी ने निरसा CEO सह चिरकुंडा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी MN मंसूरी के ऊपर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक आज 8-10 बजे पहले से देख रहे थे, वो उनका ऑफिस का बगल में एक बड़ा टेंट बना हुआ था, उस टाइम हम सुने कोविड का जाँच होगा, जैसे बाजार में हल्ला था, लेकिन उसमें हम लोग को नजर था, हम देखे उसको गोडाउन में सीमेंट घुसा, काल आपको रॉड रेडी करके किया है या मोहनडांगा से सर लेके किया है बना के, तो आप CEO साहब को बोले, ताकि हमको पता नहीं कि W का अध्यक्ष कर रहा है ना कौन कर रहा है, लेकिन सरकारी जमीन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तिरपल का आड़ में, ई कंस्ट्रक्शन हो रहा, CEO साहब को काल हम बोले हैं तो उनका संज्ञान में गया है, उन्होंने बोला कि हम आदमी भेज के देखेंगे, हम साथ में ये भी बोला है जो रिटर्न भी हम 2-4 आपको दे देते हैं, देखते हैं CEO साहब क्या करता है, अगर CEO साहब अगर इसमें मिली भगत है तो उनको भी समझ में आएगा, तब पूरा रोड में जितना है हम लोग एक के बाद एक ऑफिस ओपन करेंगे, उसे ट्रिपल भी करते हैं। वहीं जब इस मामले में निरसा CEO सह चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी MN मंसूरी से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होती है या फिर अतिक्रमणकारी नगर अध्यक्ष पद पर है इसलिए सिर्फ लिपापोती होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्या कहना चाहेंगे? सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है उसको। अच्छा। किसके द्वारा करा जा रहा है? चेयरमैन द्वारा। कौन?